स्ट्रक्चर के लिहाज से चार होते हैं, लेकिन हम तीन तक जो वो वाइंड अप करते हैं अपना लेक्चर, क्योंकि चौथा हम पढ़ेंगे अगली टेस्ट में। अभी जो वो काफी बर्डन हो जाएगा, तो मतलब उस सेंटेंस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सर टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर जो है वो आप देखें, सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे यानी सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। बेटा तो देखो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, यानी सिंपल सेंटेंस देखो, इट स्टैंड्स अलोन। कल भी हमने आपको जो वो बताया था, या मतलब मैंने आपको अपने नोट्स के अंदर रात वाले जो पॉइंट्स मैंने भेजी थी उसके अंदर भी मतलब ये बताया था कि सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड स्टैंड्स, ओके, एंड स्टैंड्स, इट कैन स्टैंड्स अलोन बिकॉज़ इट गिव्स द सेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो मतलब अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर किसी क्लॉज की जरूरत नहीं होती, वो खुद अलग जो वो अपने आप यानी जो वो अलोन होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको पहले दे दिया है, जैसे आप देखें वी आर लर्निंग, ठीक है, वी आर लर्निंग, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। वी आर लर्निंग एंड स्टडिंग, आप देखें एक ही सब्जेक्ट काम करने वाला है, तो आप कहीं अगर कंजंक्शन वगैरह एंड वगैरह लगा रहे तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कल मैंने दिया, क्योंकि ये एक ही बात कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट है। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो खुद अपने आप यानी अकेला जो है वो आजाद सेंटेंस के तौर पर स्ट्रक्चर में आता है, इसके साथ दूसरा सेंटेंस नहीं होता, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस सेंटेंस के अंदर यानी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट से मुराद जिसके अंदर क्या हो, वर्ब हो, उसको हम कहते हैं, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फाज होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो एटलीस्ट वन प्रेडिकेट हो सिंपल सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट को छोड़कर, या वो अल्फाज जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएं उसको प्रेडिकेट कहते हैं। उसके बाद देखो, हमने सेकंड सेंटेंस जो डिस्कस किया था वो, तो वो सेंटेंस कल मैंने आपको ये भी पढ़ा लिया था, कंपाउंड सेंटेंस की हमने बात की थी। अब देखो, कंपाउंड सेंटेंस कंपोजिशन कौन सी है, कंपाउंड जो सेंटेंस है आप देखो इसकी यानी ये कि मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, देखो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो जो मतलब मुकम्मल सेंटेंस हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं, जो सेंटेंस मुकम्मल हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आए, अपना पूरा सेंस और मीनिंग दे, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब आप देखें, सिंपल सेंटेंस में एक आता है, कंपाउंड में आपको क्या करना पड़ेगा, दो इस्तेमाल करेंगे तो आपका हो जाएगा ये कंपाउंड। प्लस आप देखें, दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप देखो, ये दो सेंटेंसेस मतलब बीच में ये ज्वाइन होता है किसे, कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं उनसे हम ज्वाइन करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करते हैं हम, एक और दो, और ज्वाइन किससे करेंगे आप, ये दोनों ज्वाइन किससे होंगे, ज्वाइन बेटा आप किससे करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, दोनों सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फेन्स बॉय, क्या, फेन्स बॉय, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। एब से क्या आता है बेटा, एब से आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एब से आप इस्तेमाल करेंगे फोर, ठीक है। अगर एफ ए आप देखें, कल भी हमने पढ़ा था, एफ से क्या होता है, एफ से होता है फोर, FOR, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें यानी ए, तो ए से मतलब क्या इस्तेमाल होता है, ANB, ये एंड होता है। अच्छा, एन से फिर क्या होता है, एन से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नोर, ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, नोर, NOR। अच्छा, उसके बाद एस से क्या होता है, ठीक है, एस से आपका क्या होता है, एस से होता है सो, यानी क्या होता है, सो, SO। अच्छा, उसके बाद बी से क्या इस्तेमाल होता है बेटा, देखो बी से आपका क्या इस्तेमाल होता है, बट, क्या इस्तेमाल होता है, बट, BUT, बट। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यानी ओ से क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओ से क्या होता है, ओ से होता है आपका ओ आर, क्या बेटा होता है, ओ आर,
और लास्ट क्या है, वाई आपका, ठीक है। वाई से क्या होता है बेटा, वाई से होता है यानी येट, वाई से क्या होता है येट, YET, ठीक है। तो आप देखो ये हो गए आपके, यानी इंडिपेंडेंट ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, तो दो मतलब सेंटेंस को आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो आपका हो जाएगा, और ये कंपाउंड सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो है वो इसकी बनती है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें सेंटेंस से, हमारा एग्जाम्पल बेटा देखें, सेंटेंस एग्जाम्पल में इस्तेमाल होता है कंपाउंड का, ही हैज द बुक्स फॉर स्टडी, ठीक है। देखो ही हैज द बुक्स फॉर स्टडी एंड दे, कामा भले दे देना कंजंक्शन, जो ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, इनके बाद कामा आप दे सकते हो, एंड दे आर, ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज लाइंग ऑन द, देखो दे आर ऑलवेज लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, अब आप भले ये कंजंक्शन हटा दो, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए आपके, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए। देखो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा यहां तक, और फिर देखो ये कंजंक्शन जिसमें कोऑर्डिनेट में काउंट नहीं होता उसमें होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसमें होता है बेटा। तो देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हुआ। अच्छा उसके अलावा देखे मतलब थ्री जो सेंटेंस हमारा था वो कॉम्प्लेक्स था बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मतलब क्या कंपोजिशन है, एक आप देखो इंडिपेंडेंट होता है इसके अंदर सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दूसरा क्या होता है एट लीस्ट जो है वो वन, भले ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एट लीस्ट वन जो है वो क्या होता है डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और आप वो ज्वाइन किससे करते हो, इसमें कौन से कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसमें बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी रात में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने रात आपको ये स्ट्रक्चर इसकी और लिस्ट पूरी भेजी थी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। कौन से सबऑर्डिनेट आप इस्तेमाल करेंगे, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखें, नो कंट्री बेटा देखो, नो कंट्री डेवलप्स इजीली, नो कंट्री डेवलप्स इजीली, ठीक है, नो कंट्री डेवलप्स इजीली, एक इंडिपेंडेंट देखो ये इंडिपेंडेंट हुआ, और सेकंड देखो देखो कोऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे सबऑर्डिनेटिंग, अच्छा नो कंट्री डेवलप्स इजीली अनलेस इट्स सिटीजंस, ये देखो डिपेंडेंट हुआ, अनलेस इट्स सिटीजंस आर एजुकेटेड, आर एजुकेटेड। अब देखो बेटा यहां से लेकर ये देखो, ये जो आपका हुआ है ना इसको हम क्या कहते हैं डिपेंडेंट कहते हैं, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये सेंटेंस यहां से पढ़ा ये आपका इंडिपेंडेंट हुआ सेंटेंस, ठीक है, जबकि कंजंक्शन से लेकर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उससे लेकर मतलब जुमले की फुल स्टॉप तक जो सेंटेंस होगा वो आपका डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो इस्तेमाल होते हैं तो वो नाउन क्लास में हो, एडवर्ब क्लास में हो, एडजेक्टिव क्लास में, ये सेम लगते हैं, ठीक है, सेम लगते हैं। जो कॉम्प्लेक्स में लगते हैं ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, वो इन तीनों क्लासेस में भी इस्तेमाल होते हैं, और उस पूरे सेंटेंस को क्या बना देते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है, तो डिपेंडेंट हुआ। अब देखो इधर अगर ये मतलब सेंटेंस बेटा, अगर ये डिपेंडेंट वाला सेंटेंस शुरू में आ जाता है तो आप बाद बीच में क्या इस्तेमाल करेंगे, कामा, समझे, अगर ये कंजंक्शन पढ़ा है ना, ये पूरा के पूरा अनलेस इट्स सिटीजंस आर एजुकेटेड, ये हम इधर सेंटेंस रखें और नो कंट्री डेवलप्स इजीली इधर रखें, तो सेंटेंस के बीच में क्या इस्तेमाल होगा, कामा, ये पंक्चुएशन के हिसाब से आ सकता है, ठीक है बेटा, ये पंक्चुएशन के साथ। अब देखिए कुछ कंपाउंड सेंटेंस की मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप थोड़ा प्लीज उनमें देख ले, कंपाउंड सेंटेंस देखो, ये कंपाउंड सेंटेंस बार बार हमारे रह जाते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, दोनों सिंपल है, आप देखें दोनों को आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड करेंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट लाइक बेस,
बास्केटबॉल सॉरी। तो आप देखो इनको हमने ज्वाइन किया है किससे, ये पढ़ाए बस। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं कंपाउंड में, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं तो हमने दो लिख लिए। और सिंपल सेंटेंस खुद इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, खुद अकेला जो वो होता है, अकेली मीनिंग जो वो पूरी सेंटेंस में देता है, फुल स्टॉप आखिर में होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, खुद मीनिंग होता है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल पड़ा है। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, प्रेजेंट इज अ पावरफुल मैन, ही इज ऑल्सो वेरी कंपैशनेट, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इन दोनों को कंपाउंड करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में ऐड करें तो वो हो जाएगा, प्रेजेंट इज पावरफुल गेट, देखो कंपैशनेट। बेटा देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी कामा इस्तेमाल करें, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखें जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले कामा इस्तेमाल करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखना, कामा इस्तेमाल करें, देखें ये कामा इस्तेमाल हुई है तो आप कामा इस्तेमाल करें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक खत्म होता है ना, उसके बाद कामा और फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करें, ज़हन में रखें, फिर क्वेश्चन करेंगे ये। अच्छा उसके बाद देखो, यू कैन हैव अ न्यू सेलफोन, यू कैन हैव अ वीडियो गेम, यू कैन नॉट हैव बोथ, तीनों सेंटेंस हमारे इंडिपेंडेंट है, ज्वाइन करना है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से और कुछ नहीं करना। यू कैन हैव अ न्यू सेल फोन और अ वीडियो गेम, बट यू कैन नॉट हैव बोथ, ठीक है, कंट्रास्ट है, इसीलिए हमने बोथ यानी बट इस्तेमाल किया। तो आप देखो इधर ये कंजंक्शन हुआ, इधर ये कंजंक्शन हुआ, इन तीनों सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हमने इस तरीके से ऐड कर लिया। ही हैज नो मनी, ही हैज नो फोन, ही हैज नीदर मनी नॉर अ फोन, देखो ये आ गया आपका, यानी नॉर इसमें आ गया, जो हमने फेंस बॉय में दिया तो नार इसमें आ गया, और नार किसके साथ इस्तेमाल होता है, नीदर के साथ, और आर के साथ क्या इस्तेमाल होता है, इधर, ठीक है, इधर या इधर के साथ ओ आर इस्तेमाल होता है, और नॉर के साथ नीदर या नाइदर इस्तेमाल होता है। तो देखो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हमने ज्वाइन कर लिया इस कंजंक्शन में, और कामा लगी हुई है उससे पहले। उसके बाद लास्ट है, शी सबमिटेड हर होमवर्क लेट, शी वॉज स्कोल्डेड बाय हर टीचर, ठीक है बेटा, इन दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया है। देखो ये नहीं, शी वाज स्कोल्डेड बाय टीचर, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और कामा देकर फोर, बेटा फोर का मतलब है बिकॉज, देखो जिस स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा है कि फोर पता नहीं क्या है, फोर देखो बिकॉज वाले सेंस में भी इस्तेमाल होता है, इधर मीनिंग जो है इधर आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, लेकिन फोर का मतलब बता रहा हूं कि फोर का मतलब है बिकॉज। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, शी सबमिटेड हर होमवर्क लेट, और दूसरा है शी वाज स्कोल्डेड बाय हर टीचर, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस पूरा अपना मतलब दे रहे। देखो सब्जेक्ट और वर्ब और प्रेडिकेट पूरा पड़ा है, फाइनाइट वर्ब लगा हुआ है, तो ये इंडिपेंडेंट है, दोनों को मैंने ज्वाइन किया है देखो इस कंजंक्शन से, कौन सा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसीलिए दो इंडिपेंडेंट। बेटा देखो सिंपल सेंटेंसेस खाली एक इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वर्ब कौन सा होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो अपना फॉर्म चेंज करे, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से इस्तेमाल हो, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के हिसाब से इस्तेमाल हो, और यानी मतलब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस हो जाए, फ्यूचर है तो उस हिसाब से टेंस चेंज करे, या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो खुद सिंगुलर हो जाए। अगर वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस में मिलाकर दो मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ रखेंगे तो उससे हम बोलेंगे कंपाउंड कंजंक्शन से, और ये जो भी मैंने सर्किल में रखे ये सारे आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले आप कामा इस्तेमाल करें, क्या यानी कामा देखो बेटा प्लस क्या इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी इस स्ट्रक्चर को जरूर रखना। आप देखें ये माइनर माइनर अगर ये पेपर में देते हैं तो ये माइनर माइनर चीजें रखते हैं, क्योंकि ये उनका सिलेबस उनकी स्ट्रक्चर होती है, वो मतलब इस तरीके से स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, ऐसा नहीं है हम जो चाहे वो करें वो नहीं होता, तो देखो ये मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद जो वो हम अगले पेज पे मतलब बेटा देखें अगले पेज में ना, अच्छा ठीक है ना। अब देखो रात मैंने आपको देखो ये पॉइंट्स बनाकर भेजी है बेटा, रात देर से मैंने ये भेजी है, पूरी समरी है जो जो मतलब हमने पढ़ा है इस टेस्ट के लिए, पूरी समरी मैंने पॉइंट्स की सूरत में आपको भेज दी है, फिर भी आप समझ नहीं रहते तो इसीलिए मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए आप पूछ रहे हैं कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास तीनों एक ही बात है, एक बात क्यों है, क्योंकि तीनों अकेले जो है वो इट स्टैंड्स अलोन, अकेले ये इस्तेमाल होते हैं। बेटा क्लास भी सेंटेंस का पार्ट होता है,
ठीक है, कंप्लीट थॉट इनके अंदर होती है, जैसे वी स्टडी। अब आप इसको सिंपल सेंटेंस बोले तो भी सही है, आप इनको सेंटेंस बोले तो भी सही है, आप इनको इंडिपेंडेंट क्लास बोले तो भी सही है, राइट। दूसरी क्लास क्या कहते हैं, क्लास किसको कहते हैं, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना, इस ये क्लास भी है, सेंटेंस को के पार्ट को भी कहते हैं। देखो विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, देखो सब्जेक्ट और वर्ब वी स्टडी में लगा हुआ है, यूजुअली ज्वाइन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कंजंक्शन। अगर आप दो क्लासेस बनाते हो बेटा, अगर आप एक ही सेंटेंस के दो क्लास बनाते हो तो देखो दो मतलब आपको यानी वर्ब लिखने पड़ेंगे, आपको दो सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। एक क्लास है तो एक सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लास आप इस्तेमाल करेंगे तो दो एक सब्जेक्ट और वर्ब दूसरा भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखें एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये पढ़ा है, फिर आपने कंजंक्शन दिया ये शी वाज फ्यूरियस, देखो दूसरा ये दो क्लास हो गए, और ये इस पूरे को सेंटेंस बोलते हैं। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें दो क्लास है, समझे खुदा के वास्ते आप समझे प्लीज, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस है और इसके दो क्लास है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास हुआ और फिर आप देखें ये सब्जेक्ट वर्ब दूसरा क्लास हुआ, ठीक है। एक इसमें एक इंडिपेंडेंट हुआ, दूसरा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होता है जिसमें आप यानी कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, मैंने कल आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भेजे, अच्छा वो देखें जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट बना देते हैं, जो कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं वो सेंटेंस को सबऑर्डिनेट बना देते हैं, ठीक है बेटा। और तीसरी टाइम कंजंक्शन जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट बना देते हैं जुमले को, रीजन वाले होते हैं वो सबऑर्डिनेट बना देते हैं, तो सारे मैंने भेजे आपको, अच्छा। उसके बाद फ्रेज क्या कहते हैं सुनने, फिर फ्रेज और फ्रेगमेंट के दरमियान वो भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ओके बिलोंग्स टूगेदर ग्रामेटिकली, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो आपस में मिला हुआ हो, आपस में उनकी मतलब कंपोजिशन हो। बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखो हर पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन फ्रेज है तो देखो नाउन वाले अल्फाज आपस में साथ होंगे, अलग अलग दूर नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं। फिर अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें एडजेक्टिव होगा, ठीक है, जेरेंड है तो जेरेंड उसमें होगा, इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव, इस तरीके से अल्फाज आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेज कहते हैं। तो आप देखिए इधर जैसे डे टायर्ड मतलब बहुत टायर्ड हो, जैसे वर्किंग इन द फील्ड, देखो ये जेरेंड फ्रेज है, आपस में अल्फाज देखो ये मिले हुए, ये अल्फाज मिले हुए, ये अल्फाज मिले हुए, ये फ्रेज वर्ग, लेकिन सब्जेक्ट आर वर्ब, मतलब ये कि फ्रेज के अंदर क्या होता है सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट या वर्ब बेटा इसमें नहीं होता, फ्रेगमेंट में कभी कभी हो जाता है इसमें, यानी ये देखो मतलब फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, ठीक है। जैसे ये पढ़ा है देखो इसमें वर्ब नहीं है, इसमें देखो जेरेंड फ्रेज पढ़ा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब यानी ये इसके अंदर मौजूद नहीं होते, जो कि फ्रेगमेंट में होते हैं, फ्रेगमेंट में होते हैं। फ्रेज जो है वो सेंटेंस का पार्ट है, फ्रेगमेंट जो होता है सॉरी फ्रेज जो होता है ना सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होकर मीनिंग दे सकता है, मीनिंग देता है सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होकर मीनिंग देता है, सेंटेंस में इस्तेमाल होता है ना। आप देखो पूरा सेंटेंस आप लिखें उसमें आप ये लिख सकते हैं, देखो वर्किंग इन द फील्ड अ फार्मर वाज आस्किंग हिज सन टू ब्रिंग मील, ठीक है, अ फार्मर वाज इन द फील्ड वर्किंग टायरलेसली, आप देखें तो आप देखें ये आपका मतलब सेंटेंस के साथ एक पार्ट है, तो फ्रेज सेंटेंस के अंदर होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस के साथ मिलकर वो अपनी एक मीनिंग भी देता है, लेकिन फ्रेगमेंट नहीं देता, फ्रेगमेंट एक इनकरेक्टली सेंटेंस के अंदर आ जाता है। देखो पढ़ा है सेंटेंस फ्रेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, समटाइम्स कंसिस्टिंग ओनली ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जितने भी है वो फ्रेगमेंट है बेटा, कल मैंने टेस्ट भी लिया आपसे, ठीक है, फ्रेगमेंट में मतलब जो डिपेंडेंट क्लास जितने भी आ जाए वो सारे डिपेंडेंट क्लास किससे बनते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके वो फ्रेगमेंट होंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट हो जाएंगे। जैसे इफ लगे, हु लगे, व्हाट लगे, दैट लगे, टाइम वाले कंजंक्शन लगे, आप पढ़ना सही उन्होंने से उसको, जैसे जैसे आप देखें अनलेस यू आर, अब ये फ्रेगमेंट है फ्रेज नहीं, क्योंकि पूरा सेंस और पूरी थॉट और मीनिंग नहीं है इसकी। तो एक तो आप आराम से समझ लें, एक ये कि जो यानी डिपेंडेंट क्लॉज है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं बेटा, वो सारे क्या है, वो सारे फ्रेगमेंट्स हैं, क्योंकि वो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि वो पूरी मीनिंग नहीं देंगे, डिपेंडेंट क्लॉज पूरी मीनिंग नहीं देगा जब तक इनडिपेंडेंट उसके साथ नहीं होता। तो डिपेंडेंट सारे क्लॉजेस क्या हो गए आपके, फ्रेगमेंट हो गए, एक बात। दूसरी बात देखें कि सेंटेंस जो दिया होता है वो ग्रामेटिकली उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब करेक्टली लिखा हुआ या नहीं, अगर लिखा हुआ है तो सही है, अदरवाइज नहीं वो गलत हो जाएगा।
जो पूरी मीनिंग और पूरा सेंस नहीं होता फ्रेगमेंट का, वो यानी डिपेंडेंट क्लास में नहीं होता, डिपेंडेंट क्लास का पूरा सेंस नहीं होता, मतलब फ्रेगमेंट हो गया। नंबर टू, ग्रामेटिकली क्या देखना है, इनकरेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अगर नहीं होता तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होता है। इंपरेटिव में वर्ब होता है तो अंडरस्टूड होता है हमें सब्जेक्ट, ठीक है, तो कोई ना कोई बात लेक मतलब कर रही हो। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि मैं आपको बोलूं एम टीचिंग, ए एम एम टीचिंग, अब देखो ना ये पढ़ाई आप देखें सेम कुछ नहीं है, एम टीचिंग, अब बताओ ये सेंटेंस सही है, ये फ्रेगमेंट है या सेंटेंस है, फ्रेगमेंट हुआ, सब्जेक्ट नहीं है, एम कहां से आया, जब तक आए नहीं लगाएंगे तो देखिए आपका ये सेफ हो गया, ठीक है। अगर मैं खाली बोलूं आई टीचिंग, अब ग्रामेटिकली ये गलत हो रहे क्योंकि देखो वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है बेटा, देखो तो ये भी आपका एसेफ हुआ। तो एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है और दूसरी देखो डिपेंडेंट क्लास वाली होती है। उसके बाद फाइव नंबर पे कंपाउंड सेंटेंस एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देखो इनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो वो आप इस्तेमाल करते हो, और शी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट येट शी इज अमंग द टॉप 10, आप देखो ये इस्तेमाल हुआ हमने अभी पढ़ा है, तो दो जो है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे ना बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद नंबर यानी फाइव पे आ जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लास होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये टेस्ट ये आपकी बस। अगर आपने मेरे लेक्चर की समरी पढ़ ली है, आपने पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, जरूर नहीं है कंपोज करवा के भेजे तो सही नोट्स हो जाते हैं, अगर हाथ से लिखते हैं तो गलत हो जाते हैं, नहीं आपको पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, अभी मुझे मैंने बताया है, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और दूसरा क्या, वो डिपेंडेंट क्लास हो। डिपेंडेंट क्लास कैसे बनता है, देखो डिपेंडेंट क्लास इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड विद सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस, बेटा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना, ये यानी आपके सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं ये सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाते हैं। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन यानी इसकी वजह से आपका सेंटेंस डिपेंडेंट बनता है। अब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन से, बेटा टाइम वाले अल्फाज, जैसे एज सून एज आ गया तो आप देखें ये आपका यानी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, इफ आ जाएगा, वेन आ जाएगा, ठीक है बेटा, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस, टाइम कंजंक्शंस, कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन अल्दो दो, ठीक है ये, या पर्पज और रीजन वाले, ये अल्फाज आ जाएंगे आपके, तो ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, दो नहीं है मैं सब बता रहा हूं। तो डिपेंडेंट क्लास किससे बनता है, डिपेंडेंट क्लास बनता है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से, ठीक है, सब वो कौन से, वो देखो हमें बता रहा है इज इंट्रोड्यूस विद द सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, यानी कुछ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है और दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, होम, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस आपके सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाए जाएंगे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है, सॉरी ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से, कौन से, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम, ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, और प्लस कंडीशनल इफ या जो है वो अनलेस प्रोवाइडेड दैट, ठीक है बेटा, या टाइम वाले कंजंक्शन ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद नंबर सेकंड पेज बेटा, उसके बाद नंबर सेकंड पेज में देखो, अब ये पढ़ा है, आई हैव पनिश्ड हर दैट आई विल हेल्प हर, सॉरी आई हैव प्रॉमिस्ड हर दैट आई विल हेल्प हर, बेटा ये देखो ये पढ़ा है आपका, ये आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन दैट, तो मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन जो होते, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हो जाता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हो जाता है, राइट, ये हो गया। अच्छा उसके बाद सेकंड प्रेडिकेट क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है, देखो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो अल्फाज आते हैं उसको प्रेडिकेट कहा जाता है, सब्जेक्ट के बाद जो अल्फाज आते हैं वो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लास दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, बेटा सब्जेक्ट के बाद आने वाले सारे अल्फाज प्रेडिकेट हैं, या आप इसको इस तरीके से डिफाइन करें कि वो अल्फाज जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताएं कि सब्जेक्ट क्या करता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी प्रेडिकेट कहते हैं। आप देखें ये आपका सब्जेक्ट हुआ और एम अ टीचर, ये पूरा प्रेडिकेट हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद नाउन क्लास क्या होता है बेटा, नाउन क्लास इज दिनो, नाउन क्लास इज अ सबॉर्डिनेट क्लास, ये सबॉर्डिनेट क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, तीनों क्लासेस में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल, एक कॉमन है,
तीनों क्लासेस का एक कॉमन है, देखो शायद मैंने दिया भी हो, तीनों क्लासेस का एक कॉमन है, यानी आप देखिए वो नाउन क्लास हो, बेटा नाउन हो, एडजेक्टिव हो, तीनों में एक ही जो वो बात इस्तेमाल होती है, एक ही जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है, मतलब कंजंक्शन वाले, नाउन हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ठीक है, ये तीनों क्लासेस में प्लस क्या होता है, प्लस आप क्या इस्तेमाल करते हो, सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है, नाउन क्लास होता है, इसके अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हो, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हो। तो तीनों जो होते हैं ये मतलब कैरी क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है बेटा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से बनते हैं तीनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लासेस, तीनों बनते हैं सबऑर्डिनेट। अब आप देखो ये पढ़ा है बेटा, देखो आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर द स्कूल, और ये जो दैट पढ़ा ये सबऑर्डिनेट, ऊपर भी हमने लिखा है। अब मैंने आपको वो बेटा अलग अल्फाज कल भी भेजे, प्लीज पढ़ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दोनों को अलग अलग हमने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो जिनको हम कहते हैं फेंस बॉय, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और सबऑर्डिनेट मैंने नाम आपको बताए, तो आप देखें ये हुआ आई नो दैट शी लेफ्ट फॉर द स्कूल, I know that she left for the school. आप देखें मैंने आपको keywords दिए कि आप यानी किस तरीके से identify कर सकते हो noun class को। बेटा देखो how to identify a noun class? We need to ask a question to find out what the subject knows. Okay? अच्छा तो question किस तरीके से noun class को पहचानने के लिए? I know what? तो इसका जवाब जो होगा वो आपके dependent class में होता है। सबऑर्डिनेट क्लास सेंटेंस को डिपेंडेंट कर लेते हैं। आई नो व्हाट जवाब पढ़ा है दैट शी लेफ्ट फॉर द स्कूल, तो हमें जो क्वेश्चन करना है बेटा नाउन क्लास के लिए व्हाट या हु से, व्हाट के लिए पर्सन, सॉरी व्हाट के लिए समथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और पर्सन के लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं, जो क्वेश्चन करेंगे नाउन क्लास के लिए वो हम इंडिपेंडेंट क्लास से करेंगे। तो हमने देखें ये नो पढ़ा है ना, आई नो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और फिर जब कंजंक्शन लग जाता है ठीक है कोऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट तो वो आपका डिपेंडेंट हो जाता है, तो जो क्वेश्चन करेंगे वो इंडिपेंडेंट से। आप देखो आई नो व्हाट तो जवाब आया दैट शी लेफ्ट फॉर द स्कूल, तो देखो ये जवाब है, तो डिपेंडेंट जो होता है जवाब है किसका, व्हाट और हु का, और फिर वो कहलाएगा क्या, नाउन क्लास, और नाउन क्लास जो होता है वो भी सबऑर्डिनेट क्लास है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप ये भी इनको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं बेटा, तीनों क्लासेस को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका नाउन क्लास हो ठीक है, आपका एडजेक्टिव क्लास हो या एडवर्ब क्लास हो, इनके सेंटेंस को जो इनके डिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं इनको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और इन तीनों क्लासेस के सेंटेंस में कोई फर्क नहीं, अगर आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आप तीनों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं ना वो इन तीनों नाउन के मतलब से नाउन में, एडवर्ब और एडजेक्टिव में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए आप तीनों को कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। अच्छा उसके बाद देखें द आंसर इज इन सबऑर्डिनेट क्लास, अच्छा हु व्हाट फॉर क्वेश्चन, क्योंकि हु पर्सन के लिए व्हाट यानी ये आपका हुआ नाउन क्लास। नाउन क्लास बिगिंस विद वर्ड्स लाइक, देखो नाउन क्लास किससे शुरू होता है बेटा, दैट से, व्हाट से, वेदर, हाउ, वेयर, हु, होम, व्हाई, हाउ एवर, व्हाट एवर, वेयर एवर, हु एवर, एटसेट्रा, ये जो अल्फाज हैं सारे आपके नाउन क्लास में इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, ये हुआ नाउन क्लास। उसके बाद सेकंड देखो एडजेक्टिव क्लॉज है बेटा, सेकंड क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, बेटा एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है यानी जो सेंटेंस होता है ना वो बिल्कुल यानी जो हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते उसके साथ साथ देखो नाउन पड़ा होता है, इधर नाउन या प्रोनाउन पड़ा होता है, उस नाउन और प्रोनाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं, उस नाउन और प्रोनाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं ना यानी रिलेटिव वर्ड से वो आपका एडजेक्टिव क्लास होगा। बेटा ये देखो एडजेक्टिव क्लास, क्लास जो भी इस्तेमाल होता है बनता है वो कंजंक्शन से बनता है, तो तीन जो क्लास बनते वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते। देखो ये क्लास जिस जगह भी आपको ये अल्फाज ऐसे नजर आ जाए वो क्लास है। देखो कीवर्ड्स दे दिए बेटा, इसके कीवर्ड्स ये पढ़े आप, हु, होम, हुज, दैट, विच, वेयर सारे दिए हुए हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास के दिए हुए, नाउन के दिए हुए,
प्रेडिकेट के दिए हुए, इससे पहले जो पेज था वो दिया होता, तो इस तरीके से देखो ये आपका एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की डिस्क्रिप्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, एडजेक्टिव को, ठीक है ना। एडजेक्टिव के अल्फाजों के लिए जो आपके डब्ल्यू एच वाले अल्फाज दिए हुए बेटा वही डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, तो ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। बहुत आसान हुआ, इसको आप कॉम्प्लेक्स लिखें तो भी आपकी मर्जी है, नाउन और एडजेक्टिव क्लास के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स लिखेंगे सही है गलत नहीं है। अगले पेज पे हम चलते हैं, ठीक है। अगला पेज देखो बेटा, लास्ट पेज है एडवर्ब क्लास वाला। अब एडवर्ब क्लास देखो, इट परफॉर्म्स अ रोल ऑफ एन एडवर्ब, बेटा ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अब एडवर्ब क्या है, किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, जैसे एडजेक्टिव ने किसको मॉडिफाई किया, नाउन को मॉडिफाई किया, प्रोनाउन को मॉडिफाई किया, ठीक है, इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, जो मतलब नाउन क्लास था तो वो वर्ब्स ऐसे होते हैं, परसेप्शन वाले, फीलिंग्स वाले वर्ब होते हैं, वर्ब्स ऑफ सेंस होते हैं, उनके साथ इस्तेमाल होता है। फिर हमने क्वेश्चंस बताए। एडवर्ब क्लास जो होता है, इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर वर्ब होता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके साथ अटैच होता है, उसके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, तब वो एडवर्ब क्लास हो जाता है। इट बिगिंस विद, ये कैसे बनता है, यानी एडवर्ब क्लास में अल्फाज देखो ये इस्तेमाल होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, व्हाइल, सिंस, एज सून एज लॉन्ग एज, नो सूनर देन, एटसेट्रा, बेटा ये सारे अल्फाज, इनके अलावा कुछ और कंजंक्शन जो मैंने आपको सबॉर्डिनेट कंजंक्शन में भेजे होंगे वो आप लगाकर, यानी जो आप कंपोजिशन करेंगे, जो स्ट्रक्चर आपकी बनेगी वो एडवर्ब क्लास की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लास की हो जाएगी। अंटिल आई रिटर्न, ओके, नो वन विल लीव, ये एडवर्ब क्लास है। देखो ये पूरा यहां से ये आपका एडवर्ब क्लास, अंटिल आई रिटर्न नो वन विल लीव, ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ है, इसीलिए आपका ये क्या है बेटा, ये डिपेंडेंट सेंटेंस और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ये एडवर्ब क्लास, तीनों नाम दे सकते हो। आपसे पूछा जाए बताएं इसमें कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट, बताएं ये कैसे आप बताएंगे, जिसमें भी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लिखा हुआ होता है, जिसमें भी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लिखा होता है वो क्या होगा आपका, वो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, वो तीनों में स्ट्रक्चर के लिहाज से नाउन क्लास, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लास हो सकता है। तो डिपेंडेंट के देखो तीन नाम होंगे, इस तरीके से इंडिपेंडेंट के भी नाम है भाई, इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंस भी होता है, सेंटेंस भी होता है, इंडिपेंडेंट क्लास भी होता है, मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट को वही कहते हैं। इंडिपेंडेंट के नाम कौन से बेटा, देखें एक आप सेंटेंस खाली जो है वो खाली सेंटेंस, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जैसे हम इधर कह रहे हैं ना, इधर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, उसके अलावा आप देखें इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, अच्छा उसके अलावा आप देखें प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास, देखें अगर कैसे भी आप ग्रामेटिकली टर्मिनोलॉजी आ जाए, मैंने मेरे हिसाब से आई एम रियली रिलैक्स्ड एंड प्लीज्ड, ओके, टू हैव अ वेरी गुड थारो और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लॉजेस एंड आइटम्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस यू नो वीक। अच्छा मेन क्लॉज बेटा ये सारी एक ही बात, ये सब एक ही बात है, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास। आप बोलेंगे सर बताओ कॉमन क्या है, कॉमन क्या है कि ये इसके बगैर नहीं बनते, सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर इनमें कंजंक्शन वगैरह नहीं है, यानी इनका मतलब देखो मैंने ऐड किया प्लस किया तो क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इनका होता है, सब्जेक्ट और वर्ब से ये बनते हैं, इसीलिए मतलब इनको नाम दिया जाता है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्या। अच्छा इंपरेटिव में आप बोलेंगे सब्जेक्ट नहीं है बेटा, उसका अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट, तो वही हम सब्जेक्ट कहते हैं उसको, तो ये मतलब जो बनते हैं सारे, तो इसीलिए इनका नाम, और ये स्टैंड अलोन, दे स्टैंड अलोन मतलब ये अलग जो है वो यानी होते हैं, क्योंकि अलग ये मीनिंग देते हैं,
simple, okay, when it stands alone. They all stand alone का मतलब ये खुद ही सेंटेंस बनाते हैं, खुद ही मीनिंग देते हैं. आप कोई भी लिख लें सेंटेंस, जैसे आप देखें वी स्टडी, अब ये वी स्टडी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लास, क्लास इसको आप क्लास का वर्ड दे दें तो बेहतर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लास. अच्छा तो बेटा देखिए, अब ये आपका हो गया इसकी. अब आप देखें इधर इंपॉर्टेंट बात ये हुई है, ऑल थ्री नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लासेस आर डिपेंडेंट क्लासेस. तीनों डिपेंडेंट क्लासेस ठीक है. अच्छा तीनों डिपेंडेंट क्लासेस है एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जो जिस जुमले में सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल होता है वो डिपेंडेंट होता है. ये क्यों इंडिपेंडेंट है, ये क्यों सेंटेंस है, ये क्यों सिंपल है, क्यों मेन है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है. सी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन साथ साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ये अंटिल पढ़ाए, हाविफ लगाए, वे लगाए, ये सारे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन. तो इसीलिए बेटा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस के जिस पार्ट में भी इस्तेमाल होगा वो सेंटेंस आपका डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाए. उसके बाद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड्स अलोन एज अ सेंटेंस, वो अकेला इस्तेमाल होता है. अभी मैंने बता दिया, अभी ये पढ़ा है इसका, ठीक है. जैसे देखें वीनस इज द सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, देखो ये आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ. इसमें देखो कंजंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है. बट आप बताए बोलेंगे सर कंपाउंड जो सेंटेंस आपने पढ़ाया वो क्या, उसमें इंडिपेंडेंट? बेटा दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें जो कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं एंड या जो इस्तेमाल करते हैं बट या येट, आर या नार वगैरह कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो काउंट नहीं होते. उनको निकाल कर फिर आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो दोनों सेंटेंस आपको क्या लगेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस महसूस होंगे, ठीक है. दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट सेंटेंस महसूस होंगे, तो इसीलिए उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होंगे, अकेले जो वो मतलब होते हैं. तो इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज कैन हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कांट स्टैंड अलोन. बेटा डिपेंडेंट सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब होता है. इधर देखो ये आए भी पढ़ा है और रिटर्न भी पढ़ा है, देखो आए भी पढ़ा है और रिटर्न भी पढ़ा है. आए सब्जेक्ट हुआ और रिटर्न क्या हुआ, वर्ब हुआ. दोनों पढ़े लेकिन फिर भी देखो बेटा आप देखें दोनों देखें. ये मैं इधर डिपेंडेंट का एग्जांपल आपको देता हूं. अच्छा डिपेंडेंट सेंटेंस में देखें, डिपेंडेंट एक तो आपके इंग्लिश टीचर को स्पेल भी नहीं आती और ग्रामर पढ़ाता है. डिपेंडेंट क्लॉज क्या बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज में आप देखें ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब दोनों इस्तेमाल नहीं होते, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप देखिए when you complete योर सिलेबस वगैरह, ठीक है बेटा. देखें when you complete ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये देखो when आपका सब्जेक्ट हुआ और देखो you आपका सब्जेक्ट हुआ और when क्या हुआ, यानी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन हुआ. ये आपका सबॉर्डिनेट, ठीक है, कंजंक्शन हुआ, यू सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हुआ, तो इस्तेमाल हो रहा है. ऐसा नहीं है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. व्हेन यू कंप्लीट योर सिलेबस, और ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. देखो मीनिंग पूरी, व्हेन यू कंप्लीट योर सिलेबस फिर क्या, मतलब क्या, कोई नहीं आ रहा जब तक दूसरा सेंटेंस एड नहीं करेंगे डिपेंडेंट, ठीक है. यू विल एंजॉय, ओके, यू विल गेट प्रिपेयर्ड, यू विल गेट प्रिपेयर्ड. अब देखो ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस. क्योंकि इसमें क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए आप इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलेंगे, राइट. तो इधर देखें ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट क्लॉज हो या सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, होगा लेकिन वो पूरा पूरी थॉट या पूरी मीनिंग या मतलब नहीं देगा. क्यों नहीं देता, तो यानी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से ये नहीं देता है. इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये पढ़ा इस तरीके से. तो बेटा ये स्ट्रक्चर पूरा हर चीज होगी, कल मैं आपसे टेस्ट लूंगा, आज भी कोशिश करूंगा. आप रिव्यू क्लास की जरूरत है वाला, आप देखो मतलब आप खुद देखें कोई जरूरत है वाला.